हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इंफोटेनमेंट सिस्टम का रिव्यू करेंगे, मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो का। तो इसी का इंफोटेनमेंट सिस्टम का रिव्यू करेंगे। जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कैसा इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये, कैसे आपको यूज़ करना है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये VXI गाड़ी है। ये गाड़ी आपको ऑप्शनल में भी अवेलेबल है। ऑप्शनल अगर आप लेते हैं तो एक SRS एयरबैग और मिलेगा, जो कि को ड्राइवर साइड है। तो इसमें सिंगल एयरबैग दिया गया है, जो कि ड्राइवर साइड ही है, देख रहे हैं आप। तो ये VXI गाड़ी है, सिंगल एयरबैग मिलेगा आपको। एस का मोनोग्राम कंपनी के साथ दिया गया है इसमें। तो VXI गाड़ी में आपको रिमोट की दिखा देता हूँ मैं। तो इसमें आपको एक की रिमोट मिलती है और एक की आपको नॉर्मल मिलेगी, यानी ये की आपको रिमोट नहीं मिलेगी, एक ही की आपको इसमें रिमोट मिलती है। इग्निशन ऑन कर लेते हैं। तो मीटर में भी लाइट आ जाएगी, देखिए। इग्निशन ऑन करते ही मीटर में लाइट आ चुकी है, यानी MID में। तो फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है इसमें, और जो कि इसमें किलोमीटर बताएगा, क्लॉक बताएगा और फ्यूल भी शो करेगा। तो बहुत ही बढ़िया MID दी गई है इसमें। बात करेंगे हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की, और इसमें आपको AC दिया गया है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। USB ऑक्स के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं इसमें, देख रहे हैं आप। दो कप होल्डर रखने का स्पेस, और गियर लीवर 5 फॉरवर्ड रिवर्स के साथ दिया गया है। हैंड ब्रेक लीवर, फ्रंट के दोनों ही डोर आपको पावर विंडो मिलते हैं। रियर के दोनों ही डोर आपको मैनुअल मिलेंगे इसके सभी वेरिएंट में। बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको USB ऑक्स का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से आप मोबाइल कनेक्ट करके अपने मनपसंद के गाने सुन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको USB ऑक्स का भी ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ से आप चैनल को चेंज कर सकते हैं। ये लो फ्यूल शो करेगा, अगर आपकी गाड़ी में लो फ्यूल है तो ये शो करेगा। बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मोड का बटन दिया गया है। जैसे कि अगर आपको AM चलाना है या FM चलाना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और FM चलाना है या AM चलाना है, और ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, मनपसंद के गाने सुन सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आपको तीन चीज़ों का ऑप्शन दिया गया है। एक तो वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से आप, मैं दिखा देता हूँ। तो ये वॉल्यूम का बटन है, और वॉल्यूम को कम भी इसी से करेंगे। नोबो पे क्रोम फिनिश दी गई है। यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं, तो एक बार प्रेस करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा। देखिए, म्यूट हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हैं, और इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑफ भी कर सकते हैं। तो प्रेस करके रखेंगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया है। तो ये तीन काम करता है, वॉल्यूम का, म्यूट का और पावर का, ये तीनों काम यही बटन करेगा। यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप पेयरिंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये डिस्प्ले का बटन है, आप कुछ भी प्ले करेंगे तो ये डिस्प्ले में आएगा। और ये मेन्यू का दिया गया है, साथ से सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको बस की सेटिंग करनी है या टेबल की सेटिंग करनी है, तो कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से आप टेबल को। ये बैक का बटन है, बैलेंस को, बस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बैलेंस को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रेस करेंगे, देखिए, तो ये कम ज़्यादा करने के लिए लेफ़्ट राइट में कौन से डोर में आपको आवाज़ चाहिए, तो यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं। तो ये बैक का बटन है और डिस्प्ले का, यहाँ से भी आप, तो बहुत ही अच्छे फीचर्स दिए गए हैं इसमें। बैक चलते हैं, आगे FM पे। यहाँ से भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से भी।
और यहाँ से ट्यून कर सकते हैं। तो मैंने आपको ट्यून करके तो दिखाई दिया मैंने आपको कैसे ट्यून करना है आपको इसको। और यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं FM AM। और ये तो देख लिया आपने, पोर्ट दिए गए हैं USB ऑक्स के, मनपसंद के गाने सुन सकते हैं आप यहाँ से कनेक्ट करके अपने मोबाइल द्वारा, जो मोबाइल में गाने हैं आपके। यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है, यहाँ पे भी क्रोम फिनिश मिलेगी आपको देखने को। तो यही था इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो था मैंने आपको बताई दिया। सो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।